हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज आप सबके लिए एक स्पेशल इलस्ट्रेशन है। जी हाँ, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे ये मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है। और इस साल ये 12 जुलाई को जगन्नाथपुरी में निकाली गई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और यह रथ यात्रा हर साल अषाढ़ माह जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और महायोजन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह कोरोना के चलते भक्तों को जगन्नाथ पुरी जी की रथ यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। इस दिन भगवान कृष्ण उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथ में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथ को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। सो दोस्तों, श्री जगन्नाथ जी के बारे में ऐसी और भी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए हम अपनी इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। अब उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थ में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। ये रथ यात्रा किसी त्यौहार से कम नहीं होती। इसे पुरी के अलावा देश व विदेशों के कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। इस रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है। कुछ कथाओं में आपसे शेयर करता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती हैं और अपने भाई से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ है। इसके अलावा कहते हैं गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मासी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाते हैं। कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई है। ऐसी और भी कहानी है। एक और कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। कहते हैं श्री कृष्ण जी के मौत के पश्चात जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारका लाया जाता है, तब बलराम अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं। कृष्ण के शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती हैं। इसी समय भारत के पूर्व स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है। अंततः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनवाई जाए और श्री कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा का सपना सच हुआ। उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गईं, लेकिन अब वह सोच रहा था कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बड़े के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वह सभी से बोलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो वह बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के बाद मूर्ति नहीं बन पाती है। तब उतावली के चलते राजा इंद्रद्युम्न बढ़ई के रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं।
ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती, लेकिन राजा ऐसे ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। एक राजसी जुलूस। 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 साल के बाद बदली जाती है। जो नई प्रतिमा रहती है वह भी पूरी बनी हुई नहीं रहती। जगन्नाथ पुरी का यह मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। फिर रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। अगले दिन तीनों प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया जाता है। फिर एकादशी तक ये वहीं रहते हैं। इस दौरान पुरी में मेला भरता है, तरह तरह के आयोजन होते हैं, महाप्रसाद की बिक्री होती है। एकादशी के दिन जब इन्हें वापस ले जाया जाता है, उस दिन वैसे ही भीड़ उमड़ती है। उस दिन को भूड़ा कहते हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा अपने मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है। साल में एक बार ही एक प्रतिमा को उनकी जगह से उठाया जाता है। सो ये कुछ जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बातें थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इलस्ट्रेशन पसंद आई होगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये इलस्ट्रेशन पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर भी करें। ऐसी और भी आर्ट वीडियोस के लिए बने रहे। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट आर्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।